तो ये ना मेरा फर्स्ट व्लॉग है, आप बोल सकते हो एज ए फुल व्लॉग, क्योंकि आज तक मैंने मिनी व्लॉग डाला हुआ था, अपलोड किए हुए थे इस चैनल पे। तो कुछ अगर भूल चूक होती है तो गाइस प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। और मेरा ना गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, आई होप कि आपको पता चल रहा है, क्योंकि मुझे ना बुखार हुआ है, इसीलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ। जैसा हम लोगों ने आज डिसाइड किया हम लोगों को बाहर जाना, और डिसाइड क्योंकि ये अर्ली प्री प्लान है आप बोल सकते हो। तो जैसा हम लोग स्टेशन पर आना, तो यहाँ पर ट्रेन हम लोगों का छूट ही गया, और मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा लोगों को, आपको ऑलरेडी पता चल ही गया होगा इस वीडियो को लेके, मतलब किसके ऊपर ये वीडियो बनने वाली है। यस गाइस, तो हाँ उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं, अभी नहा धो के फ्रेश होकर तैयार भी हो गए थे, और देखते देखते हम लोग स्टेशन में ना ट्रेन भी आ गया था। इसके बाद ही हम लोग का ट्रेन था लगभग 10 मिनट के बाद, क्योंकि पहला ट्रेन हम लोगों ने मिस किया था। तो ये आ गया हम लोग का ट्रेन, तो अभी हम लोग इसमें जाने वाले हैं, और काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़ारे भी आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि मिडिल ऑफ द वे में जो आते हैं ना, क्योंकि ये विलेज एरिया, तो आपको ऐसी नज़र आपको देखने को मिलता है सिटी। तो हम लोग अभी हावड़ा होकर जाएंगे, कोलकाता हम लोग जाना है प्रॉपर। तो ये अभी हावड़ा के आने के पहले था, अभी ये हावड़ा स्टेशन, हम लोग देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत ही जल यात्री है, क्योंकि सावन महीना चल रहा था, और आपको जैसे पता है कि आपके भाभी अभी पेट से, तो मैं तो रिस्क लेने नहीं वाला था, क्योंकि वही बस जानी नहीं चाहते, इसलिए हम लोग यहाँ से उबर कर लिए थे। तो ये है भाई साहब, अगर आप लोग को पता है तो वेरी गुड, ये है हावड़ा बीच, आपको मतलब होता है ना जो इंडिया का सबसे बड़ा बीच बोलता है, विदाउट एनी सपोर्ट एंड पिलर अंडर दी ब्रिज, मतलब वो जो होता है ना जो पिलर सपोर्ट रहता है, तो उसी का ही वो नहीं था। और ये है गाइस हम लोग का कोलकाता का सबसे बड़ा बिल्डिंग D42, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है ओवर दी कोलकाता, नॉट ओवर दी कोलकाता, इस ओवर दी वेस्ट बंगल बोल सकते हो। और कुछ ट्रेडिशन यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कार जो होता है ना वो भी चल रहा है, तो ये भी दिखाना चाहता था मैं, क्योंकि ये सिटी का ट्रेडिशन बढ़ाती है। देखते देखते मैं पहुँच गया, देखो भाई ये मेरा साली है, छोटी साली, अब इसको रेडी किया जा रहा है, इसको नहलाया जाएगा, क्योंकि आज इसका है फर्स्ट फीडिंग सेरेमनी। तो देख रहे हो भाई साहब, यहाँ पर इसको नहलाया जा रहा है, नहलाने के बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं जहाँ पे उसका फर्स्ट फीडिंग सेरेमनी का फर्स्ट जो फूड होता है ना उसको खिलाया जाता है, तो उसी का अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट फीडिंग है ना, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे डेकोरेशन आप लोग देख सकते हो, जैसे कि बलून वगैरह, और यहाँ पर जो प्लेटिंग वगैरह हो रहा है ना, तो वो मेन चीज़ है, मतलब चावल हो, दाल हो गया, खिचड़ी हो गई, या फिर जो भी दिया जाता है रसम के अनुसार, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया जा रहा है थाली पर भर के। और इसका जो अभी खिला रही है ना, ये उसका मम्मी पापा नहीं है, ये है उनका आप कह सकते हो बड़े अंकल, ठीक है, बड़े अंकल और बड़ी आंटी, तो वही इन लोगों को फर्स्ट फीड करवा रहे हैं एज़ पर द रिचुअल्स। क्योंकि हालांकि ये होता है मामा के द्वारा, बट मामा अभी इसका है नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, तो इसीलिए यही लोग करवा रहे हैं। तो भाई साहब ये बच्चा है, इसको क्या पता है कि फर्स्ट फीडिंग सेरेमनी क्या है, इसी को ही पता चल रहा है कि क्या ही आफत जा रहा है उसके ऊपर से। स्टिल इस अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स, ये करना है, कुछ ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगा, थोड़ा बहुत आशीर्वाद किया जा रहा है, उसको खिलाया जा रहा है, दैट्स ऑल। अब देख सकते हो थोड़ा बहुत मिठाई से इसका ना खाना एंड कर दिया गया है। अभी बारी है हम लोगों का शाम के टाइम पे, जो हम लोग पहुँचते हैं लॉज में, जहाँ पे ये फंक्शन होने वाला है। एक्चुअली फंक्शन रात में था, वो तो फर्स्ट फीडिंग सेरेमनी आपका लंच में कंप्लीट हो गया था, अभी जो गेस्ट वगैरह आने वाला है वो अभी आने वाले हैं। तो ये सारे हो गए, उसका मौसी, मम्मी, उसका नानी, सब यही है, उसका फुल फैमिली, मतलब आपके भाभी का फुल फैमिली यही है। देख रहे हो भाई साहब कितना क्यूट है, और इसको ना इस ड्रेस में काफ़ी अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो कि कैमरे में कितना इसको जस्टिस हो रहा है, और अगर रियल टाइम में बोलूँ तो सामने सामने बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसी टाइम में मीनवाइल मेरा मम्मी, मेरे बुआ भाई वगैरह सब आ गए थे, मेरे पापा नहीं आए, खैर वो कभी कहीं पर जाता नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी लोग आ गए थे। हम लोग अभी वापस जो जाएंगे ना, इसी गाड़ी से हम लोग वापस चले जाएंगे, तो आने में तो हम लोग का ट्रेन जर्नी हुआ था, लेकिन जाने में कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये मेरा सास, उसके बगल में मेरी मम्मी, उसके मौसी लोग ये है, और ये जो सबसे रहने का जो देख रहा हूँ वही है मेन मतलब बच्ची का माँ, मतलब मेरे साली का माँ। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद, क्योंकि हम लोग को निकलने वाला था, और हम लोग का जो घर है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग पहले ही यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए, बुफे सिस्टम लगा हुआ था और खाना भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोग खाने के बाद हम लोग निकल गए, और ये है रात के कोलकाता शहर भाई,
आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, नॉट इन द डे टाइम बट नाइट टाइम पे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है इसीलिए। तो हम लोग इसी के लिए हम लोग सफ़र निकल चुके हैं, हम लोग सफ़र के लिए, पता नहीं मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी क्योंकि मेरा बुखार है ना, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ गाइस, अगर कुछ गलती होता है ना प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी घर की ओर, और ये जो ब्रिज है ना, अभी इसको सेकंड ब्रिज बोलते हैं कि हावड़ा ब्रिज के बगल में ये वाला ब्रिज आता है। अभी लाइटिंग बंद है तो कैसा पता नहीं चल रहा है कि कितना अच्छा आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि हम लोग को ये फर्स्ट टोल टैक्स आ ही गया है, अभी इसके बाद हम लोग का जो है ना हाईवे पड़ जाएगा, उसके बाद तो कोई दिखाने का लायक नहीं क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है इसीलिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एज इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ फर्स्ट ब्लॉग, तो कैसे लगा गाइस प्लीज़ कमेंट पर बताना। और आज के लिए गाइस इतना ही, और आप भी अच्छे रहो, हेल्दी रहो, सुरक्षित रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी हाँ नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, शॉर्ट्स ही आने वाला है, तो तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून, थैंक यू गाइस।